नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NSP न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। एक्चुअली जो तबलीगी जमात निजामुद्दीन वाला मसला ये चल रहा है, ये वैसे तो बड़ा सीरियस है, क्योंकि जमात शब्द जो है वो बड़ा पाक और पवित्र है। जैसे हिंदू अपनी धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, अमरनाथ यात्रा जाते हैं, वैष्णो देवी यात्रा जाते हैं, सिख समुदाय अपने यात्राओं पर जाते हैं, अमृतसर गुरुद्वारा साहब जाते हैं, पटना साहब यात्रा पे जाते हैं, वो है। इस तरह से मुस्लिम जमात पे जाते हैं, वो जमात 3 दिन की भी होती है, कहीं 40 दिन की भी होती है, कहीं 4 महीने की भी होती है, फिक्स होती है। और सबसे बड़ी बात, जमातियों के रहने का आश्रय है, जो स्थल है वो होटल या कहीं नहीं होता, वो मस्जिद ही होती है। जो भी जहां जिस इलाके में जा रहे हैं वहां की मस्जिद होती है, और मैं समझता हूं जहां तक मुझे ज्ञान है 2-3 दिन से अधिक कहीं किसी मस्जिद में रुकते नहीं है, रमता जोगी बहता पानी वाली बात होती है। अब पिछले दिनों एक्चुअली दिल्ली में कुछ दिन पहले ही दंगे हुए, उस दंगों की आंच पूरे देश में फैली, और उसके बाद कोरोना की महामारी पूरी विश्वव्यापी आ गई, और उसके बाद ये मुद्दा आ गया तबलीगी जमात का, मरकज का कोरोना पॉजिटिव के साथ। ऐसे ही देश में लोग परेशान तो थे ही, लेकिन कुछ इस तरह की बातें भी आ गईं जिससे कि समाज में भी काफी दूरियां, और उनकी बातों से जो दिखाया जा रहा था, कुछ न्यूज चैनल खासकर दिखा रहे थे इसी बात को, कुछ के खिलाफ FIR भी हुई, मुकदमे भी दर्ज हुए, कुछ इस तरह की बातें भी आई हैं। जबकि अगर सीधी सी बात करें, कानूनी बात करें, तो जो निजामुद्दीन थाना है जहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वो जमाती आते हैं वहां, रुकते हैं, उसके बाद अजमेर शरीफ जाते हैं, विभिन्न जगह जाते हैं धार्मिक यात्रा के रूप में। अब धार्मिक यात्रा पर ना भारत सरकार नाराज है, ना दिल्ली सरकार नाराज है, और ना नाराज हो सकती है। हमारा भारत का संविधान ही कहता है कोई नाराज हो भी मन से, लेकिन वो नाराजगी जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है, किसी भी एक धर्म के लिए नहीं। धर्म सब धर्मों की इज्जत है, सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों को कानूनी अधिकार है, और धर्मो रक्षति रक्षिता, वहां किसी एक धर्म की बात नहीं लिखी गई सुप्रीम कोर्ट में भी, धर्मो रक्षति रक्षिता का वर्ड जो है वो हर धर्म की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। हर एक धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बसता है, और इसके आंचल में सभी धर्म है, हर एक धर्म के स्थल है, मंदिर भी है तो मस्जिद भी है तो गुरुद्वारा भी है तो गिरजाघर भी है, और सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, सबके मानने वाले, सबके अनुयायी, सबके धर्मावलंबी, सबके धर्मगुरुओं का बराबर सम्मान है, बराबर आदर है, उसमें कहीं किसी पर किसी तरह की कोई किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। निजामुद्दीन थाना स्टेशन में कल एक डिवीजन बनी है, इसी बात की डिवीजन बनी है, जिसमें कहां से कौन आ रहे हैं जमाती उनका डिटेल होता है, कहां जा रहे हैं उनकी डिटेल होती है, पूरा उनका रजिस्टर है, कंप्यूटर है, सब इसी बात को मेंटेन करते हैं। वो डिवीजन थाने का अलग काम होता है, उनका निजामुद्दीन थाने में ही निजामुद्दीन औलिया से दरगाह से संबंधित वहां जो आते हैं धार्मिक रूप से रुकते हैं, कौन आ रहे, कहां से आ रहे, क्या डोनेशन, क्या फंड, वो सब कुछ उसी को मेंटेन करते हैं, उसकी उनकी जानकारी होती है। और मैं समझता हूं इस बात की भी घटना की उन्हें जानकारी रही होगी। विषय यहां पर महत्वपूर्ण विषय यह है कि कोरोना पॉजिटिव के लोग अगर थे, उन्हें पता था उस जमात में, फिर उन्हें जानबूझकर नहीं बताया, या धोखे में नहीं बताया, या उन्हें जानकारी नहीं थी, या जानकारी भी थी तो वो धार्मिक रूप से इस तरह से रहे जो मेडिकल चीज को अलग रख दिया, और उन्हें अपने धर्म को समझा कि मैं तो धर्म कार्य कर रहा हूं, धार्मिक कार्य कर रहा हूं, ना मुझे मौत आएगी, ना मेरे से मिलने वाले किसी को मौत आएगी। ये गलती थी। कोरोना पॉजिटिव अलग, बिल्कुल अलग चीज है, उसमें तो बिल्कुल सबसे किसी से मिलने मिलाने से ही फैलता है उसमें, और इसी से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रोक रहे हैं, और यही उनकी सब मुख्यमंत्री इस पर सहमत हैं, और जरूरी भी है। लेकिन उन्हें जानबूझकर उन्होंने छिपाया, अपराध किया। जमात शब्द होना कभी अपराध नहीं कहलाता है, जमात शब्द धार्मिक है, पूज्य था, पूज्य है, पूज्य रहेगा भी। गलत हर धर्म की, हर धार्मिक यात्रा में हो सकते हैं, धार्मिक रूप की चोला पहने हुए हर धर्म में है, उनमें गलत भी हो जाते हैं, तो उसकी कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं।
वो किन परिस्थितियों में गलत हो गए, उन्हें एकदम इस तरह से पकड़ लिया गया, इस तरह से बंद कर लिया गया, क्या किया गया उनके साथ, कुछ अमानवीयता तो नहीं की गई, कुछ ऐसा, वैसे आशा नहीं ऐसी व्यक्ति की जा रही ऐसा किया होगा, लेकिन कई बार मेंटली आदमी को लगने लगता है, सोशल मीडिया पे चल रहा, न्यूज चैनल पे चल रहा, लोगों में भावनाएं आ गई, उनकी पोशाक देख के लगने लगा, उनके पहनावे को देख के लगने लगा, उनकी भाषा को देख के लगने लगा, जमा शब्द से लगने लगा, उन्हें एक तरह से उस तरह से ट्रीट करने लगे, वो अलग हो सकता है, दुखद हो सकता है, उससे उनकी भावनाएं आती हुई, लेकिन जो सरकारों का उत्तरदायित्व था, कानून का दायित्व था, पुलिस का दायित्व था, जो हमारी एजेंसीज हैं, मेडिकल एजेंसीज चल रही हैं, उनका सिर्फ इतना दायित्व था, उनका किसी धर्म से कोई विरोध नहीं था, उनका सिर्फ उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी तरह से कोरोना पॉजिटिव ना फैले, कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट लोगों में ना जाए, मिले जुले ना, सोशल डिस्टेंस बनाए, दूरी बनाए और क्वारंटाइन हो, अगर कोई है, अगर कोई मिल गया है, उससे मिला जुला नहीं पॉजिटिव बना, लेकिन अच्छी बात है तो वो क्वारंटाइन रहे, एकांत रहे, 14 दिन रहे, लोग रहते हैं, लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि ये बचाव में ही बचाव है, और बचाव किसी धर्म को लेकर नहीं है, किसी मजहब को लेकर नहीं है, किसी सिद्धांत को लेकर नहीं, बचाव सबके लिए, सबके लिए, बचाव में कोई एक पक्षी बात नहीं की गई, तो इसलिए अब वो फैल गए पूरे देश में, क्योंकि जमात से जुड़े हुए थे, वो चेन्नई भी पहुंचे, वो गुजरात भी पहुंचे, गुजरात के जो मौलाना थे, इमाम थे, उन्होंने हेल्प की, मदद की, और उनको सबको क्वारंटाइन किया गया, चेक किया गया, इलाज हुआ उनका, जो साउथ की तरफ गए उनमें से बहुत से जमात के थे लोग, उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु भी हुई है, और वो नहीं भी कुछ अभी भी पकड़ नहीं आ पा रहे, कुछ हिमाचल पहुंचे, कुछ पटना बिहार पहुंचे, तो पूरे देश में, क्योंकि धर्म की बात तो पूरे देश में चलती है, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पूरे विश्व में मानी जाती है, अजमेर शरीफ हुई, ये हुई, ये तो बहुत धार्मिक रूप से बहुत मजबूत स्थान है, और ऐसी जगह से ऐसा फैलना, और इतनी जल्दी से फैल गया, हाँ अगर इसे तुरंत ही उसी समय नियंत्रण कर लिया जाता, जांच हो जाती, मेडिकली डायग्नोस हो जाते, तो एक अलग परिणाम रहता उसका, इसलिए इस विषय में यह आवश्यक है कि आज भी अगर कोई है उससे जुड़े हुए, उनसे मिले हुए, तबलीग जमात से मिले हुए, यहां निजामुद्दीन, किसी से जाने अनजाने, पता हो ना पता हो, कोई जानकारी, तो मेडिकल चेकअप कराए, सरकार उनकी हेल्प करे, सरकार से, लेकिन दूसरी बात साथ में यह है, केवल जमात के नाम पर, तबलीगी जमात के नाम पर, मस्जिदों में चाहे और जगह, चाहे घरों में, जो मस्जिदों के सदर हैं, जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, जो मस्जिद से संबंधित हैं, जो मस्जिद की व्यवस्था करते थे, जो मदरसों की व्यवस्था करते थे, जो धार्मिक रूप से मुस्लिम इस्लामिक चीज को चला रहे हैं, उनको भी परेशान न किया जाए, उनको नाजायज रूप से बिल्कुल परेशान नहीं किया न जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि जमाती यहां आ सकते थे, क्या पता जमाती यहां आए हों, क्या पता जमाती मिले हों, अगर ऐसा उनके साथ होगा वो भी कानून के लिए दुखद होगा, वो भी भारत के संविधान के लिए दुखद होगा, वो भी भारत की देश की सुप्रीम कोर्ट के लिए गलत होगा, क्योंकि हमारा देश का संविधान सबके लिए समान अधिकार, समान कानूनी अधिकार, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मनभेद मतभेद के हमें प्रदान करता है, तो उसको उस तरह से प्रदान मिलना चाहिए, कानून होना भी चाहिए, कानून दिखना भी चाहिए, कानून मिलना भी चाहिए, और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए।